राजनेताओं पर तंज कसकर और विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाली हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने एक नाचने गाने वाले जोकर को पाकिस्तान भेजा है। क्या जो कांग्रेस ने नाचने गाने वाले जोकर को पाकिस्तान में भेजा है और पाकिस्तान जा करके वो गलबैया कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी ये लोग करा सकते हैं। और नेहरू खानदान एक बड़ी योजना के तहत हिंदुस्तान को तोड़ने की बड़ी साजिश कर रहे हैं। चाहे वो ये मणिशंकर को कहते हैं छुट्टी पर जाए, छुट्टी पर नहीं, वो पाकिस्तान में बैठ करके योजना बना रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ करके हिंदुस्तान की योजना का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस तरह की कांग्रेस की नीति तो कितना सही था नवजोत सिद्धू को वहाँ जाना, जो कि प्रधानमंत्री पूरा देश शोक में है और वहाँ वो पार्टी बना रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि पूरा देश एक तरफ से अटल जी के जाने के गम में डूबा था और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के चीफ के साथ गलबैया करें, तो मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान को कोई न कोई किसी न किसी तरह से तोड़ना चाहते, कोई न कोई षड्यंत्र भी इसके पीछे। आपको बता दें कि साध्वी प्राची मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देकर चर्चाओं में आई थीं, जिसके बाद साध्वी प्राची पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तब से बयानबाजी और बटबोली साध्वी प्राची राजनेताओं और नेताओं पर तंज कस कर ही चर्चाओं में बनी रहती हैं। एसपीएन नाइन न्यूज़ रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।